हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड ट्रेवल विद कीर्ति। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला मैगी, जिसके लिए मैंने लिया है एक टमाटर बड़े साइज का बारीक कटा हुआ, एक प्याज बड़े साइज का बारीक कटा हुआ, आधी गाजर बारीक कटी हुई, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और एक ग्रीन चिल्ली और धनिया, और ये मैंने हरी मटर ली है। ये बॉईल की हुई है, आप चाहे तो बॉईल कर सकते हैं या मार्केट में मिलती भी है बॉईल हुई मटर, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। और दो मैगी ली है। तो आइए चलिए आगे हम चलते हैं मैगी बनाने। तो इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून घी, 2 टेबलस्पून बटर। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज, इसको 4 से 5 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। तो ये देखिए इसका कच्चापन निकल गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, और इसको फ्राई करेंगे। ओवर कुक नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। चलिए इसको फ्राई होने देते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं हल्दी चुटकी भर, नमक चुटकी भर, धनिया पाउडर टेस्ट के लिए, रेड चिली पाउडर चुटकी भर। अब इसको फ्राई करेंगे, हल्का मसालों का भी कच्चापन निकालना है। अब इसमें ऐड करेंगे मैगी मसाला, अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमने बारीक काट के रखा हुआ था, ये देखिए इसमें जो भी हमने मसाले डाले थे सबकी खुशबू आना शुरू हो गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, शिमला मिर्च और गाजर का कच्चापन निकल जाए। आप चाहे तो इसमें हर्ब्स वगैरह भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसमें मैंने डाल दिया जो मैंने एक हरी मिर्च बारीक काट के रखी हुई थी, वो ऐड कर दिया। अब 5 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ, ये बॉइल्ड है तो इसको ज्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारी मैगी भी बनेगी, उसमें पानी डालेगा तो ये और हल्का बॉइल हो जाएगी। ऊपर से मैंने डाला है मैगी मसाला, मैंने पानी में घोल लिया था, एक पहले डाल दिया था एक बाद में डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पे 2 मैगी ली हैं, मैं ऑलरेडी उसमें पानी डाल चुकी हूँ, तो सिर्फ अब हमें 2 कटोरी ही पानी डालना है। मैं ऐड कर रही हूँ मैगी। आइए तो अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। कहने वाला ही होता है कि मैगी 3 मिनट में बन जाती है, लेकिन तरीके से बनाओ तो 10 से 15 मिनट लगता है मैगी बनाने में। ये देखिए ऑलमोस्ट पक चुकी है, 1 मिनट के अंदर प्रॉपरली बन जाएगी। तो चलिए देर में आते हैं सर्व करने के लिए। तो देखिए ये ऑल ओवर कुक हो चुकी है, अब चलते हैं इसको सर्व करने की तरफ, लेट्स गो। तो ये मसाला मैगी बनके तैयार है, देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, देखने में इतनी टेस्टी है तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये मैगी रेसिपी पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।